नमस्कार दोस्तों, आप बने हैं अपने ही गार्डनिंग चैनल होम केयर पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, गिलार्डिया सीडलिंग्स को कैसे ट्रांसप्लांट करें। तो मैंने काफ़ी सारी सीडलिंग्स उगाई थी फ्रेंड्स गर्मियों के लिए, और मैं उन पे वीडियो बनाता जा रहा हूँ आपके लिए एक के बाद एक, जिससे कि अगर आपने भी मेरे साथ अपनी सीडलिंग सो की होंगी सेम प्लांट्स की, तो उनको आप मेरी तरह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और क्या मिट्टी चाहिए, क्या किस तरह से आपको सॉइल प्रिपेयर करनी है, या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सॉइल के लिए मिक्स की, जो वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो उसी तरह आप लोग मेरी तरह जैसे मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ ऐसे ही आप करते जाइए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गिलार्डिया की सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं कुछ कुछ कैलेंडुला जैसी दिखने वाली सीडलिंग्स, बट इनकी जो लीफ होती हैं एज से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वरना ये कुछ कुछ कैलेंडुला को रिजेंबल करती हैं, वैसी सी दिखती हैं। तो ये मेरी सीडलिंग्स हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी डेंस ग्रो हुई हैं मेरी सीडलिंग्स। तो चलिए इनको लगाते हैं। इन्हें फ्रेंड्स मैं ये जो मेरे पास फ्लैट पॉट्स हैं इनमें मैं लगाऊंगा। तो इनमें पहले से ही मिट्टी भरी हुई है। आप अपनी अगर पॉट में मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वही नॉर्मल जैसे मैं बताता हूँ आप यूज़ करेंगे 40% गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% कोकोपीट और 10% सैंड, और 10% आप उसमें जो है रेत ऐड करेंगे, सॉरी कोकोपीट ऐड करेंगे। तो रेशियो यही रहेगा। और इस तरह आप पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करके उस पॉटिंग मिक्स को आप सॉइल, जो आपकी जो पॉटिंग मिक्स बनेगी उसको आप पॉट में भर के ये सीडलिंग्स लगाएंगे, तो आपको अच्छा जो है प्लांट की अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। लेकिन जो मेरे भाई बहन ज़मीन में लगा रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनको जो उनकी मिट्टी है उसमें उनको गोबर खाद मिलानी है। 2-3 इंच गोबर खाद की एक लेयर बिछाएंगे, जैसे मेरी मिट्टी है इसमें मैं 2-2.5 3 इंच गोबर खाद की, या जो भी हमारे पास कंपोस्ट होममेड कंपोस्ट पत्तियों की खाद अवेलेबल हो उसकी एक लेयर बिछाएंगे इसके ऊपर मोटी सी। गर्मियों में फ्रेंड्स जो कंपोस्ट होती है हमारी गोबर खाद जो होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, लीफ कंपोस्ट को या अदर टाइप्स ऑफ कंपोस्ट जो होती हैं दूसरे प्रकार की उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गोबर खाद में थोड़ी गर्मी होती है, ज़्यादा होती है। तो जैसा मैंने बताया 3 इंच लेयर ऐड करेंगे आप ऊपर से, और अच्छे से उसको निराई गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से क्या होगा, वो अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। फिर आप अच्छी तरह सॉइल को 6 इंच तक खोदेंगे ये सीडलिंग्स लगाने से पहले आप करेंगे 2-3 दिन पहले इस चीज़ को, और फिर उस मिट्टी को अच्छी तरह हैवीली वाटर कर देंगे। और जब आप देखेंगे 2-3 दिन बाद तो वो मिट्टी जो है वो नमी होगी उसके अंदर, लेकिन वो सोगी नहीं होगी। जैसी मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं ये मॉइस्ट है लेकिन ये सोगी नहीं है। इस तरह की मिट्टी में आप सीडलिंग्स को लगाएंगे, तो सीडलिंग्स अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो इस तरह की मिट्टी में सीडलिंग्स को लगाएंगे तो सीडलिंग्स जल्दी जो है मरेंगे नहीं, और ट्रांसप्लांटेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो मैं फ्रेंड्स ये यूज़ करूँगा अभी, मेरे को यहाँ पे पड़ा हुआ मिला है छत पे, तो मैं इससे खोद लूँगा मिट्टी। आप कोई भी अच्छा सा गार्डनिंग टूल ले सकते हैं मिट्टी को खोदने के लिए। पॉट जो है फ्रेंड्स मेरा, इसमें देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसको पहले से ही मॉइस्ट किया हुआ है मिट्टी को, जिससे कि जो मेरी प्लांट्स की सीडलिंग्स की जो रूट्स हैं वो आसानी से बाहर आ जाएं। तो देखिए इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, ये हम यहाँ से दबाएंगे हल्का सा बेस से और धीरे से स्लोली इसको पुल करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं जड़ आ गई हैं इस तरह से, और प्लांट को मैं यहाँ रखूँगा। यहाँ हम थोड़ी सी मिट्टी खोदेंगे इस तरह से, और इसको हम मिट्टी के अंदर न्यू रख देंगे और ऊपर से हल्की सी मिट्टी से इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह आप अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सॉइल में आप फ्रेंड्स जब लगा देंगे सीडलिंग्स को तो उसे हल्का सा आपको चारों तरफ से प्रेस करना है, वरना तो जो एयर गैप्स हैं या एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म
नहीं होंगे और आपकी जो सीडलिंग की जो जड़ें हैं वो हवा में ही रह जाएंगी और सीडलिंग मर जाएगी। तो इस तरह से फिर उसको आपको कवर कर देना है मिट्टी से अच्छी तरह। तो दूसरा मैं निकाल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स एक और आपको। यहाँ देखिए जैसे हम बेस से पकड़ेंगे धीरे से आपको उसे पुल करना है सीडलिंग को, ज़्यादा जान लगा के पुल नहीं करना है, स्लोली। देखिए ये निकल आई, तो इस तरह मैं अभी फ्रेंड्स अपना दूसरा हाथ जो है वो कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने उससे, तो मैं सिंगल हैंड से इसको निकाल रहा हूँ। तो आप जब करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे ट्रांसप्लांट, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरह से आप होल इसमें कर लेंगे मीडियम में, और ये जो है चारों तरफ से मिट्टी को फिर से इस तरह से दबाएंगे जिससे कि सारे जो एयर गैप्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं सॉइल से वो निकल जाएं, बस इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये मैं सारी सीडलिंग्स जो हैं इनको ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो अपनी सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट कर लिया है गिलार्डिया की सीडलिंग्स को। आप क्या करेंगे दोनों सीडलिंग्स के बीच में कम से कम 12 से 15 इंच का जो है डिस्टेंस रखेंगे, जिससे कि आपकी जो प्लांट्स हैं जब बड़े होके फैलने लगें, सीडलिंग्स बड़े होके फैलने लगें तो उन्हें ग्रो होने में दिक्कत ना हो। यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी सीडलिंग्स के बीच में गैप रखा हुआ है। ये एक और सीडलिंग्स है, सीडलिंग है गेलार्डिया की ये है। तो अब इनको हम वाटरिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह हम अपनी सीडलिंग्स को वाटर कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि सीडलिंग्स को लगाने के बाद आपको सॉइल में कांस्टेंट मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जिससे कि जो आपकी सीडलिंग्स हैं वो जल्दी मरे ना, उनमें पानी की कमी ना हो, और जो ट्रांसप्लांटेशन शॉक है उससे वो ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो या ख़राब ना हो सीडलिंग्स, उसके लिए प्रॉपर मॉइस्चर जो है सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। आप फ्रेंड्स अगर ज़मीन में लगा रहे हैं, पोट में लगा रहे हैं, तो पोट को उठा के किसी भी शेडी प्लेस में रखेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ जब तक आपके प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो मुरझाई हुई हैं अगर ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो जब तक वो सही नहीं हो जाती और प्लांट को 3-4 दिन तक आपको छाया में रखना है। तो 3-4 दिन बाद उसकी पत्तियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और प्लांट का जो ट्रांसप्लांटेशन शॉक है जिससे वो गुजर रहा होता है ट्रांसप्लांट होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको देखना है कि प्लांट अगर आपकी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो सही हो जाती हैं तो धीरे धीरे आप उसको धूप में ला सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप कुछ भी चीज़ से आप जो है कवर कर लें। आप चाहे तो ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो सीडलिंग्स हैं उनको ग्रीन नेट से हाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट इन पे ना पड़े, या आप कोई भी चीज़ साइड में रख के धूप से अपनी सीडलिंग को बचाएंगे तो आपकी सीडलिंग को जो है ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड इस वीडियो के एड में मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहूँगा। 6 दिन पहले मैंने वीडियो नंबर 137 में कि तोरी और लौकी की पौध कैसे उगाते हैं बीज से, वो बीज लगाने आपको बताए थे। तो 6 दिन के बाद ये अपडेट है, आप देख सकते हैं कि लौकी के जो सीडलिंग्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, और जो तोरी है उसके जो सीडलिंग्स हैं वो स्प्राउट हो गए हैं और सीड्स स्प्राउट होके निकल चुके हैं काफ़ी सारे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद, और आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।